एक्चुअली लोग मुझे बिहार की भाभी से बुलाते हैं, बिहार और पटना के लोग, और ये चाहते हैं कि मैं बिहार की भाभी बन जाऊं। दीपक और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिहार की दोस्त बन के मैं रहूंगी। जब कोई अपना दोस्त होता है उससे तो नाराजगी ऐसी कभी कभी जाहिर करते कि जॉब नहीं करनी पा, दो तीन दिन में खुद ही एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता, दोस्त है तो फिर बात किए बिना नहीं रह जाता है, तो फिर खुद ही बात हो गई, फिर सॉर्ट हो गई चीजें, तो फिर बैक टू नॉर्मल। आपको और दीपक को लेके भी काफी कुछ कहा जा रहा था कि सोमी बिहार की बहू बन गई है, या फिर लोग अभी भी कमेंट में लिखते हैं दीपक के उसमें कि अरे भाभी है, ये है, वो है। सो इन सारी चीजों को लेके ना दिमाग में कभी प्रेशर बनता है कि यार ये क्या इमेज बन रही है? एक्चुअली जब मैं गई थी बिहार और पटना, बहुत ही प्यार से वेलकम किया लोगों ने, काफी प्यार दिया है। ये बिग बॉस के घर में थी तभी मुझे पता चला था, जब विकास गुप्ता आए थे, कि लोग मुझे बिहार की भाभी बोलने लगे, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं विकास, लेकिन बाहर आने के बाद भी पता चला एक्चुअली लोग मुझे बिहार की भाभी से बुलाते हैं, बिहार और पटना के लोग। तो मैं ये कहूँगी वो उनका एक अपना तरीका है प्यार दर्शाने का, सो उनका प्यार है, मैं उसको फन में लेती हूँ, प्यार से लेती हूँ और उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट कभी इस चीज़ का प्रेशर नहीं हुआ। हमेशा मुझे लगा कि यार ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि मैं बिहार की भाभी बन जाऊँ। बट मैं, आप क्या चाहती? मैं यार इतने टाइम से बता रही हूँ, दीपक और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और उम्र अच्छे दोस्त रहेंगे, काफी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही एक दूसरे की केयर करते हैं। मतलब बिहार की भाभी का कोई चांस नहीं है, बिहार की दोस्त बन के मैं रहूंगी। ग्रेट। अच्छा अभी हमने हाल ही में ना एक गाना देखा, मतलब पूरा गाना तो नहीं, छोटा सा एक दीपक ने अपने इंस्टा अकाउंट में डाला था, वो देखा, काफी खूबसूरत लग रहा है, काफी अच्छा है, बहुत अच्छा यार, बहुत सुंदर लोकेशन था जहाँ हम शूट करने गए थे और काफ़ी मज़े किए हमने। फर्स्ट शूट था हमारा आफ्टर कमिंग आउट, मैंने मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था शूटिंग का, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लोकेशन, हम भी काफ़ी अच्छे से एकदम तैयार हो ऊँट पे बैठ के और काफ़ी मस्ती की है। ऊँट पे बैठ के मुझे थोड़ा डर भी लगा क्योंकि वो दीपक चला रहा था ऊँट। मुझे लगा ये ऊँट लुढ़क ना जाए, मैं लुढ़क ना जाऊँ। सो हाँ, लेकिन मज़ा, हमने काफ़ी मस्ती की, बहुत धूप थी, हॉरिबल टैनिंग हुई, एकदम काले पड़ गए हम, काफ़ी धूप थी, वो आर्मी एरिया है पाकिस्तान के बॉर्डर के पास था वो लोकेशन, और काफ़ी धूप थी, लेकिन इतना सुंदर लोकेशन है ना कि डेफिनेटली मैं घूमने भी जाऊँगी वहाँ ज़रूर। शूटिंग के लिए तो मैं गई थी पर अपनी फैमिली को लेके एक ट्रिप पे जाऊँगी। ओके, नेक्स्ट कुछ प्रोजेक्ट है दीपक के साथ ऐसा? नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है दीपक के साथ कोई ऐसा प्रोजेक्ट, पर कुछ आता है तो डेफिनेटली विल लेट यू नो। तो अभी हाल फिलहाल में और एक बात आ रही थी कि दीपक को आपने अनफॉलो कर दिया एंड दीपक ने आपको, क्यों, मतलब क्या हो क्या रहा है? यार पता है क्या, हम ऐसे ही हम जब लड़ते हैं ना एक दूसरे को, जाओ तुमसे बात नहीं करनी, जाओ तुमसे बात नहीं करनी, ऐसा वाला हो जाता है, तो फिर एक दूसरे को व्हाट्सएप पे भी नहीं, आज की बात हम बात नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े में दोस्तों में ऐसी बातें होती रहती है, चलता रहता है, तो वो थोड़ा सा यू नो, फिर उसने मुझे वहाँ से अनफॉलो कर दिया, मैंने कहा तुमने मुझे अनफॉलो किया, जाओ मैं भी अनफॉलो कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद दो तीन दिन में खुद ही एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता, दोस्त है तो फिर बात किए बिना नहीं रह जाता है, तो फिर खुद ही बात हो गई, फिर सॉर्ट हो गई चीजें, तो फिर बैक टू नॉर्मल। तो ऐसी बेकूफियों पे ध्यान मत दीजिए प्लीज। दोस्तों में ऐसी अनबन चलती रहती है और ऐसे फिर हमारे एक दूसरे के लिए रिएक्शंस आते हैं और वो कुछ दिन में नॉर्मल भी हो जाता है। ओके, मतलब सोमी के अंदर कहीं ना कहीं एक बच्चा छुपा हुआ है। हम दोनों के अंदर, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं बच्चा है, और जब कोई अपना दोस्त होता है उससे तो नाराजगी ऐसी कभी कभी जाहिर करते कि जॉब नहीं करनी का, जॉब तुम्हें अनफॉलो कर दिया, जॉब तुम्हें अनफॉलो कर दिया, सो चलता रहता है वो, उस पर ध्यान ना दे। और अभी हम बहुत अच्छे से, अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हमें, हम अच्छे से अच्छे सभ्य लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। अच्छा अभी हाल फिलहाल में वो किचन चैंपियन में भी नजर आए थे अपने डैड के साथ, आप मिली थी जब वो आए थे यहाँ पे? नहीं, एक्चुअली वो उस टाइम ही शायद हमने एक दूसरे को अनफॉलो किया था। नहीं, उसी टाइम, और वो आए भी एक दिन के लिए थे शूट के लिए। अच्छा, हाँ, सो शूट के लिए बस आए थे फिर चले गए थे, उनका भी कुछ काम, उनका कभी कोई इवेंट था, दीपक का कोई इवेंट था, उनके डैड को भी जाना था कुछ अर्जेंट काम से, तो मिलना नहीं हुआ, और उस टाइम हम बात भी नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, तो मुझे पता नहीं है सबब पे कि ज़रूर बात हुई थी दीपक से, पर मेरी बात नहीं हुई थी बिकॉज वी वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स एट दैट टाइम, तो नो आइडिया। नहीं मिले हम, नहीं मिले।